हेलो एंड वेलकम टू पाथफाइंडर। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। एंड आज की पांच एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो हम कवर करने वाले हैं वो जल्दी से सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली है एशियन एलिफेंट स्पेशलिस्ट ग्रुप, उसके बाद हम ग्रीन क्लाइमेट फंड को समझेंगे, फिर हमें देखना है मोजैक एक्सपेडिशन चल रही है वो क्या है, एंड फिर हमें ग्लोबल कोएलिशन टू प्रोटेक्ट पॉलिनेटर्स पढ़ना है, एंड फाइनली IPBES। तो एक इसको IPCC ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी कहा जाता है, तो IPBES क्या है उसके बारे में कुछ जानकारी ले लेंगे। इतनी सफिशिएंट होगी कि आप एक अच्छे से प्रीलिम्स रिलेटेड आंसर लिख पाएँ, अटेम्प्ट कर पाएँ और मार्क्स ले पाएँ। तो दोस्तों, अनअकैडमी जैसा आप जानते हैं इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स जुड़े हुए हैं। तो जो दोस्त मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए, मेरा नाम किंजल चौधरी है, ये मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है, यहाँ पर मुझे फॉलो करें। फॉलो करने पे आपको मेरे द्वारा बनाया गया ढेर सारा फ्री स्पेशल क्लास मिलेगा, उसे ज़रूर देखें। इसके सिवा दोस्तों, UPSC CSE की मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रही है। यदि आप मार्च 31 तक सब्सक्रिप्शन एक साल की भी प्लस की लेते हैं तो आपको 3 मंथ्स एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिलेगा, यानी July 31st तक आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगी। तो नाउ इज़ द टाइम अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले। इसके सिवा दोस्तों, अनअकैडमी में अगर आप देखें तो 16,000 से ज़्यादा कोर्सेज इस वक्त अवेलेबल हैं UPSC CSE कैटेगरी में। ये सारे कोर्सेज आपको अवेलेबल हो जाएंगे अगर आप अनअकैडमी सब्सक्राइब करते हैं। सब्सक्रिप्शन दो प्रकार के हैं, प्लस और आइकनिक। एंड अगर आप आइकनिक सब्सक्रिप्शन देखें तो इसमें आपको मेंटर भी मिलते हैं और टेस्ट एनालिसिस भी मिलती है, मेंस की भी आंसर राइटिंग प्रोग्राम होती है। वहीं दोस्तों, अगर आप प्लस कोर्स लें तो इसमें स्ट्रक्चर्ड कोर्स एंड इनका अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। तो दो साल की प्लस सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट है आफ्टर यूजिंग द कोड KC10 64,800 रुपीज़ है। दो साल की आइकनिक सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट आफ्टर यूजिंग द कोड KC10 है 104,175 रुपीज़, यानी 10% ऑफ के बाद साथ साथ मेरी मेंटोरशिप दोनों में आपको मिलेगी। इसके सिवा दोस्तों, आपको बता दूं अनअकैडमी लास्ट माइल प्रोग्राम लेके आए, इंटरव्यू प्रोग्राम है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके सिवा दोस्तों, अनअकैडमी फ्री टेस्ट सीरीज है पाथफाइंडर नाम से, इम्पल्स नाम से और राइज नाम से। तो KC10 कोड इस्तेमाल करें, अनलॉक करें, नए बैचेस 24 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं। अनअकैडमी कॉम्बैट हर अल्टरनेट संडे होती है, तो उसके साथ हमसे जुड़े रहें। तो दोस्तों, जो पहली ग्रुप है जिसके बारे में हमें पढ़ना है वो है एशियन एलिफेंट स्पेशलिस्ट ग्रुप। तो नाम से ही पता चलता है किसको कंजर्व, किसको प्रोटेक्ट करने के लिए होगा। एशियन एलिफेंट यानी जिसको कहते हैं एलिफेंट मैक्सिमस। तो ये अगर आप देखो तो कोई अलग ग्रुप नहीं है, ये IUCN के अंदर है। IUCN के अंदर बनाई गई है एशियन एलिफेंट स्पेशलिस्ट ग्रुप, एक ग्लोबल नेटवर्क है जिसमें कंजर्वेशनिस्ट, साइंटिस्ट, स्पेशलिस्ट क्या पर्पस है आएंगे, एक साथ जमा होंगे, पॉलिसी एनालिस्ट, कैसे एशियन एलिफेंट को, हाथी को प्रोटेक्ट किया जाए, कंजर्व किया जाए। तो ये लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन अप्रोच बनाया जाए एशिया के एलिफेंट्स की, उनको कैसे उनकी पॉपुलेशन रिकवर की जाए, वायबल लेवल्स तक लेके आ सकें, तो यही अप्रोच है इसका। इसके सिवा आप अगर देखें एशियन एलिफेंट स्पेशलिस्ट ग्रुप, अगर आप देखें तो ये IUCN की बहुत सारी स्पीशीज लेवल पे कमीशन है, जिसको कहते हैं स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन। हाथी, टाइगर, हर जानवर पे कुछ मेजर स्पीशीज जो कि खत्म होने की कगार पे हैं, उन लोगों ने स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन बनाया है। तो हाथी वाले स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन का क्या नाम है, एशियन एलिफेंट स्पेशलिस्ट ग्रुप। तो उसी का पार्ट है हाथी वाले सर्वाइवल कमीशन का, एशियन एलिफेंट स्पेशल ग्रुप उसी का पार्ट है। तो अगर आप देखें इसकी जो फंक्शन है क्या है वो, तो भाई सीधी बात है कि जितनी भी एशियन एलिफेंट की 13 टाइगर रेंज कंट्रीज हैं, इंडिया, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, तो इन ऐसे बहुत सारे 13 कंट्रीज हैं, तो वहां पर कैसे बेस्ट साइंटिफिक अवेलेबल एविडेंस के बेसिस पे टाइगर की पॉपुलेशन को कंजर्व की जाए एंड कैसे उनका डेटा सेंट्रलाइज करके जमा किया जाए, तो ये अप्रोच है। दूसरा आपको और एक चीज़ याद रखनी है कि IUCN की जो स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन हाथी वाली है, यानी एशियन एलिफेंट स्पेशलिस्ट ग्रुप है, इसकी अगर आप देखो तो बाई एनुअल जर्नल है जिसका नाम है गजा। गजा संस्कृत में हाथी जिसको कहते हैं, तो बाई एनुअल जर्नल है जिसका नाम है गजा, एक मैगजीन आती है। तो किसकी आती है गजा मैगजीन, याद रखिएगा, प्रीलिम्स का सवाल बन सकता है, तो एशियन एलिफेंट स्पेशलिस्ट ग्रुप की है। नेक्स्ट है ग्रीन क्लाइमेट फंड। तो देखिए ये क्लाइमेट फंड, याद कीजिएगा जब ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी पढ़ाया था मैंने, तब कहा था एक ग्रीन क्लाइमेट फंड है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो ग्रीन क्लाइमेट फंड अगर आप देखें तो 2010 में इस्टेब्लिश किया गया है। तो जाहिर सी बात है ग्रीन क्लाइमेट यानी क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए इसका अप्रोच होगा। दूसरा इसमें आप देखो तो फंड यानी पैसों की बात हो रही है, तो क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए पैसों की बात हो रही है। तो 2010 में इसकी स्थापना हुई थी, किसके अंडर,
यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंदर पर्पस क्या है? डेवलप्ड कंट्री के पास पैसा है, डेवलपिंग कंट्री के पास पैसा नहीं है, तो डेवलप्ड कंट्री क्या करें? डेवलपिंग कंट्री को पैसा दें। किस लिए? ताकि डेवलपिंग कंट्री क्लाइमेट चेंज से लड़ सकें। अब बेचारी डेवलपिंग कंट्री लाइक म्यांमार बोले क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मेरा जो कोस्टल इलाका है डूब जाएगा, मेरी क्या गलती, मैंने तो क्लाइमेट चेंज में कोई ग्रीन हाउस गैस नहीं छोड़ा है, सब तो तुम अंग्रेजों ने, या वेस्टर्न कंट्रीज ने, इंग्लैंड ब्रिटिश आए वहां पे टीक प्लांटेशन जंगल उड़ा दिया, साफ कर दिया, और फिर उससे कोयला, वहां से जो माइनिंग हुई उससे कोयला कोल बर्न किया एंड ग्लोबल वार्मिंग की, जैसे म्यांमार का क्या दोष है? तो ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज बोलेंगे कि भैया हमें पैसा दो, है ना, हमें पैसा दो, आने वाले दिन में जो क्लाइमेट चेंज हो रही है उससे हम बेहतर अडेप्ट कर सकें। या फिर तुम मुझे बोलते हो खुद तो थर्मल पावर प्लांट कोल बेस्ड तुमने खूब कोयला जलाया, इंडस्ट्रियलाइज किया, और अब तुम इंडिया को बोलते हो कि महंगी सोलर टेक्नोलॉजी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो, लेकिन मैं कैसे करूं, मैं तो गरीब देश हूं, तो मुझे पैसा चाहिए तभी मैं कर पाऊंगा। तो क्लाइमेट चेंज से लड़ना है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम करना है, थर्मल पावर प्लांट के जगह न्यूक्लियर प्लांट या सोलर प्लांट जलाना है, उसको क्या कहेंगे? मिटिगेशन। सी लेवल राइज हो रही है, अब भैया सी लेवल राइज हो रही है, कितना भी ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम कर लो ज्यादा तो कर नहीं पाओगे, एंड ऑफ द डे सी लेवल तो राइज होगी, तो क्या करो, सी वॉल बना दो, यानी आने वाले क्लाइमेट चेंज से अडेप्ट कर लो, इसे क्या कहेंगे? अडेप्टेशन कहेंगे। तो ग्रीन क्लाइमेट फंड अगर आप देखो तो ये पैसे अडेप्टेशन मिटिगेशन दोनों के लिए देती, कहती है मैं किसी एक को फोकस नहीं करूंगी, या तो अडेप्टेशन या तो मिटिगेशन, ऐसा नहीं है, मैं दोनों को मिक्स करूंगी, दोनों में प्रॉपर बैलेंस रखना चाहूंगी। तो 2020 तक, पेरिस क्लाइमेट डील तक, हमने कहा था कि ग्रीन क्लाइमेट फंड के पास $100 बिलियन सालाना जमा होने चाहिए, किस लिए? अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन के लिए। ऐसा हो पाया? इसके पास भी नहीं आ पाए हम। तो अगर आप देखें तो ग्रीन क्लाइमेट फंड की जो बोर्ड है वो अगर आप देखें तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कॉप को आंसरेबल है, आईपीसीसी के कॉप को आंसरेबल है, और फंड अगर आप देखो तो उसी कॉप के गाइडेंस एंड एडवाइस से चलती है। फंड की एक डेडिकेटेड बोर्ड भी है जो कि सारे एग्जीक्यूटिव डिसीजंस लेती है। ग्रीन क्लाइमेट फंड इन इंडिया अगर आप देखें तो कोस्टल इलाकों में सी लेवल बढ़ रही है तो वहां पे एडेप्टेशन के लिए कुछ करना होगा। तो 10 मिलियन लोग इंडिया में रह रहे हैं, तो एक $43 मिलियन प्रोजेक्ट ग्रीन क्लाइमेट फंड ने यूएनडीपी के साथ मिलकर इंडिया में लगाया है। कहां कहां पे? तो कोस्टल स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड ओडिशा में। क्या पर्पस है? इन कोस्टल स्टेट्स में क्लाइमेट चेंज से हम बेहतर ये अडेप्ट कर सकें। तो $43 मिलियन कौन दे रही है? ग्रीन क्लाइमेट फंड दे रही है, यूएनडीपी इसको इंप्लीमेंट कर रही है। ग्रीन क्लाइमेट फंड पैसा दे रही है किसको? यूएनडीपी को। यूएनडीपी क्या कर रही है? उसे इंप्लीमेंट कर रही है इन तीन स्टेट्स के साथ मिलके। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, मोजैक मल्टी डिसिप्लिनरी ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्टिंग मतलब बहता हुआ ऑब्जर्वेटरी फॉर द स्टडी ऑफ आर्कटिक क्लाइमेट। मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब क्लाइमेट अपने आप में, मेट्रोलॉजी क्लाइमेटोलॉजी कोई एक वेरिएबल पर नहीं डिपेंड करता। अगर आप देखोगे क्लाइमेट, ये ओशनोग्राफी पढ़ो, जियोमॉर्फोलॉजी, लैंड का रोल है, ओशन का रोल है, एटमॉस्फेयर का रोल है, लिविंग बींग्स का रोल है, नॉन लिविंग बींग्स का रोल, तो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है। तो आर्कटिक क्लाइमेट को पढ़ने के लिए एक मल्टी डिसिप्लिनरी ड्रिफ्टिंग ऑब्जर्वेटरी यानी पानी में बहती हुई लैब, ऑब्जर्वेटरी लैब जहां से डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, किस लिए? आर्कटिक क्लाइमेट को पढ़ने के लिए। वही एक्सपेडिशन का नाम क्या है? मोजैक एक्सपेडिशन है। तो कौन इसे स्पीयर हेड कर रही है? तो अल्फ्रेड वेगनर इंस्टीट्यूट जर्मनी में है, वो कर रही है। तो ये आर्कटिक को पढ़ने के लिए लार्जेस्ट एवर एक्सपेडिशन है। आर्कटिक की स्टडी की इतनी बड़ी एक्सपेडिशन आज तक नहीं हुई है इस स्केल में, एक साल तक इसको पढ़ा जाएगा। तो ये एम अगर आप देखें तो पर्पस क्या है? एटमॉस्फेयर, जियोफिजिक्स, ओशनोग्राफी, जितने भी डेटा, वो ऑब्जर्वेटरी क्या है? बेसिकली एक शिप है, वो शिप का नाम है अगर आप देखो तो पोलर स्टर्न। पोलर स्टर्न को क्या किया जा रहा है? एक बड़े से सी आइस जो कि समुद्र में बह रही है उससे बांध दिया गया है। वो सी आइस पोल नॉर्थ पोल में बह रही है, साथ साथ ये शिप भी उससे लगी हुई ड्रिफ्ट कर रही है, बह रही है, बहते बहते ये अलग अलग डेटा कलेक्ट करती जा रही है, एटमॉस्फेयर की, ओशन की, अलग अलग जगह की डेटा कलेक्ट कर रही है। तो ये सारे वेदर को रिस्पॉन्सिबल है, आर्कटिक का वेदर डिफाइन करते हैं
और आर्कटिक के वेदर के अनुसार देश में बाकी जगह भी वेदर इंपैक्ट होता है, दुनिया में बाकी जगह भी वेदर इंपैक्ट होता है। जैसे आपको मैं कभी आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन के बारे में पढ़ाऊंगा या फिर अंटार्कटिक मेरिडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, तो ये सारी चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। कैसे आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन हो रही है तो आर्कटिक का क्लाइमेट का क्या असर आर्कटिक रीजन में होता है और अर्थ के बाकी जगह पे भी होता है, तो वो सब पढ़ेंगे तो हमें बेहतर समझ आएगा कैसे क्लाइमेट एक जगह की दूसरे जगह से लिंक्ड है। तो ये एक्सपेडिशन का भी कुछ वैसे ही पर्पस है, आर्कटिक के क्लाइमेट को तो समझे ही समझे अच्छे से, पर साथ साथ ग्लोबल क्लाइमेट के भी हम बेहतर डेटा से बेटर मॉडल्स बेटर सिमुलेशन बना सकें तो हम बेहतर वर्ल्ड क्लाइमेट को भी समझ पाएंगे। तो ये इंटरनेशनल एक्सपेडिशन देखें तो 60 इंस्टीट्यूशन से ज्यादा इसमें मिलके कोलैबोरेट कर रहे हैं 19 देशों से। इंडिया के भी अगर आप देखें तो विष्णु नंदन है जो कि इस शिप में होने वाले हैं पोलरस्टर्न जर्मन रिसर्च वेसल में। इंडिया के बस एकमात्र विष्णु नंदन ही आपको दिखेंगे जो आर्कटिक विंटर जो कि पिच डार्क अंधेरा होता है उसमें इस शिप में रहने वाले हैं। नेक्स्ट है दोस्तों IPBES, ये है इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडायवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज, इसको IPCC ऑफ बायोडायवर्सिटी भी कहा जाता है जो आपको जानना है। तो अगर आप देखें दोस्तों तो ये क्या है, IPCC क्या करती है, साइंस वाली थिंक टैंक बॉडी है, पेपर्स जो है उसको कंपाइल करती है और बेहतर क्लाइमेट चेंज को पढ़ पाती है। तो IPBES क्या करती है, ये भी वैसी ही इंडिपेंडेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। 2012 में इसकी स्थापना हुई थी। पर्पस क्या है, साइंटिफिक रिसर्च के आधार पर आने वाले दिनों में बायोडाइवर्सिटी पे क्लाइमेट चेंज का क्या इंपैक्ट होगा, कॉन्जर्वेशन का कितना हम सही रास्ते पे चल रहे हैं, कॉन्जर्वेशन को लेके बायोडाइवर्सिटी को कितना सस्टेनेबली हम यूटिलाइज कर पा रहे हैं लॉन्ग टर्म में, तो इन सब पे ये स्टडी करती है, तो साइंटिफिक बेसिस देती है। तो हम पॉलिसी मेकर्स को अगर आप साइंटिफिक बेसिस दे दोगे तो वो बेहतर पॉलिसी बना पाएंगे। तो उस पॉलिसी बनाने के पीछे की जो साइंस है वो IPBES देती है जब बात होती है बायोडाइवर्सिटी की। तो IPBES अगर आप देखो तो कुछ फॉलोइंग एरियाज में आप देखोगे काम करती है। पहली है असेसमेंट, तो कुछ स्पेसिफिक थीम्स को असेस करती है, आने वाले दिनों में पॉलिनेटर्स का क्या होगा, तो पॉलिनेटर्स पॉलिनेशन फूड प्रोडक्शन, आने वाले दिनों में कैसे सिमुलेशंस बनाने हैं, आज के डेटा के बेसिस पे सिमुलेशंस बनाती है तो बेहतर आने वाले दिन को प्रेडिक्ट कर पाएगी, सिनेरियोज अलग अलग बना पाएगी, तो असेसमेंट्स करती है स्पेसिफिक थीम्स पर करती है, मेथडोलॉजी बनाती है, सिमुलेशंस बनाती है, और ये सारी चीजें रीजनल भी होती हैं और वर्ल्ड लेवल पे भी होती हैं। वैसे ही पॉलिसी सपोर्ट, एक बार साइंटिफिक रिसर्च हो गया तो उस रिसर्च के आधार पर कि आने वाले दिनों में पॉलिनेटर्स की ये हालत हो रही है तो कुछ ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए, हो सकता है ये पर्टिकुलर पेस्टिसाइड को बैन कीजिए तो कुछ ऐसी पॉलिसी बना के लोगों के सामने रखती है और बाकी कंट्रीज को कहती है कि आप अब इस साइंटिफिक रिसर्च से हमारा ये कहना है, आप ये फलाना पेस्टिसाइड बैन करें, तो बाकी कंट्रीज उसके बाद इस पर सोचते हैं, विचार करते हैं, एक्शन लेते हैं। एंड फाइनली जो लोग हैं बायोडाइवर्सिटी को लेके, इकोसिस्टम को बचाने के लिए उनकी कैपेसिटी को बिल्ड करना, कोई वेटलैंड है, वेटलैंड में रहने वाली कोई लोकल फिशरमैन कम्युनिटी है तो वो फिशरमैन कम्युनिटी क्या हो, उनको जागरूकता लाया जाए कि इसमें पोल्यूशन ना करें, इसको कैसे कंजर्व करें, इसको कैसे प्रोटेक्ट करें, तो उनकी नॉलेज भी हो, उनकी बढ़ाई जाए इस बारे में, उनको जागरूक बनाया जाए, साथ साथ उनकी कैपेसिटी डेवलपमेंट हो। मतलब कि सिर्फ एक होती है कि मुझे इच्छा है कि ये लेक को बचाना है, लेकिन मुझे सक्षम भी बनाना कि मैं इस लेक को बचा सकूं। मतलब कि हो सकता है मेरे पास छोटी सी शिप थी जिसमें छोटा सा मेरे पास बोट था जिससे मैं जो जो कंबशन हो के बाद जो रेसिड्यू फ्यूल बचता होगा शिप मेरे बोट का वो मैं पानी में डाल देता था, लेकिन अब मुझे पैसे आए तो मैं बेहतर पॉल्यूशन कम करने वाली बोट खरीद सका। तो कैपेसिटी भी और नॉलेज भी दोनों बिल्ड करती है, तो IPBES का दोनों काम है। फिर अगर आप देखें तो आखिरी है आज की ग्लोबल कोएलिशन टू प्रोटेक्ट पॉलिनेटर्स, तो ये अगर आप देखें तो नीदरलैंड से बनाई गई थी। क्यों बनाई गई थी, किसके अंदर बनाई गई थी, 2016 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्ट CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की COP 16 की मीटिंग हुई थी।
कॉप की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग हुई थी, कॉप 2016 की मीटिंग हुई थी, 16 नहीं कॉप 2016 की मीटिंग हुई थी सीबीडी की, उसी के निष्कर्ष में नीदरलैंड्स ने एक ग्लोबल कोएलिशन बनाया पॉलिनेटर्स को बचाने के लिए। क्यों, क्या जरूरत पड़ गई? क्योंकि पिछली बॉडी हमने आईपीबीएस पढ़ा तो उसने एक रिपोर्ट छापा, आईपीबीएस ने फाइंडिंग्स दिए असेसमेंट ऑन पॉलिनेटर्स पॉलिनेशन एंड फूड प्रोडक्शन, और कहा कि आने वाले दिनों में पॉलिनेटर्स यानी हनी बी या वैसे ही जो भी कीड़े हैं पंछी हैं जो पॉलिनेशन करवाते हैं उनकी मात्रा कम होती जा रही है, तो हो सकता है आने वाले दिनों में फूड प्रोडक्शन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसी को देख के नीदरलैंड्स ने एक ग्लोबल कोएलिशन बनाई। तो इसका पर्पस क्या है, क्या क्या मेजर लेती है कि कैसे हम ये कोएलिशन पॉलिनेटर्स को बचाए, उनके हैबिटेट्स को बचाए। तो हर कंट्री जो इसके मेंबर हैं उनको कहती है आप अपने एक नेशनल पॉलिनेटर स्ट्रेटेजी बनाइए। उस नेशनल पॉलिनेटर स्ट्रेटेजी आपने बना दी, उसके बाद एक कंट्री दूसरी कंट्री को सिखाए आपने अपने पॉलिसी स्ट्रेटेजी से क्या गलतियां की, क्या पॉजिटिव्स लिए। तो ये एक्सपीरियंस आप शेयर कीजिए बाकी देशों के साथ, आपने जो लेसन सीखे वो शेयर कीजिए बाकी देशों के साथ। तीसरा, वो कहती है कि अकेले अकेले गवर्नमेंट या एनजीओस के काम करने से कुछ नहीं होता है, जरूरी है कोलैबोरेशन। तो कैसे कंट्रीज, बिजनेसेस, प्राइवेट एजेंसीज, एनजीओज, फार्मर्स, लोकल कम्युनिटीज मिल के काम करें, सिनर्जाइज करें। इसके सिवा आप देखें तो नए रिसर्च को भी फंड करना, फैसिलिटेट करना, जब बात हो किसकी, पॉलिनेटर कंजर्वेशन की, तो पॉलिनेटर कंजर्वेशन पे नए नए रिसर्च को भी फंड करती है ग्लोबल कोएलिशन टू प्रोटेक्ट पॉलिनेटर्स। तो दोस्तों इसके बाद 5 एजेंसीज हमारी खत्म होती हैं। जल्दी से आपके सामने एक क्वेश्चन है, देखिए। तो मोजैक एक्सपेडिशन के बारे में 2 स्टेटमेंट दी गई है। स्टेटमेंट 1 कहती है ये लार्जेस्ट एवर आर्कटिक एक्सपेडिशन है और पहली बार नॉर्थ पोल की इतनी लार्ज स्केल पे 1 साल तक की सर्वे होने वाली है, स्टडी होने वाली है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? आंसर बताइए। सेकंड स्टेटमेंट, मोजैक मिशन स्पीयर हेड की जा रही है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा। इसमें 17 देशों से साइंटिस्ट हैं, इंडिया से भी साइंटिस्ट हैं जो इस ईयर लॉन्ग मिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 क्या सही है, आंसर क्या है? A1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 एंड 2, डी नीदर 1 नॉर 2। 5 सेकेंड का टाइम है, पॉज कर दीजिए, ज्यादा टाइम चाहिए तो। चलिए, तो आंसर अगर आप देखें तो आंसर इज A1 ओनली। मोजैक मिशन को कौन स्पीयर हेड कर रही है? अल्फ्रेड वेगनर इंस्टीट्यूट इन जर्मनी, अल्फ्रेड वेगनर इंस्टीट्यूट इन जर्मनी, ना कि IPCC। तो स्टेटमेंट 2 क्या है, गलत है। तो आंसर इज A1 ओनली। तो दोस्तों पाथफाइंडर टेस्ट सीरीज भी है, मंडे टू सैटरडे होती है, अलग अलग सब्जेक्ट्स कवर करते हैं, तो जरूर इसमें एनरोल करें, KC10 कोड का इस्तेमाल करें। इसके सिवा दोस्तों आपको बता दूं, पाथफाइंडर बहुत इंपॉर्टेंट एक आपके लिए चैनल होने वाला है, क्योंकि और भी बहुत सारी नए नए इसमें हम चीज़ें लेके आने वाले हैं जो कि आपको, आपकी जो पढ़ाई है UPSC CSE की, उसको स्ट्रीमलाइन हो सकेगी। तो ज़रूर अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड हैव अ ग्रेट डे। जब भी अनअकैडमी आए यूज द कोड KC10, क्योंकि इसे सिर्फ आपको 10% ऑफ नहीं मिलेगा, बेस्ट मेंटरशिप मिलेगी, डायरेक्ट हैंड होल्डिंग मिलेगी, बेस्ट नोट्स मिलेंगे, और जो गाइडेंस है वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS, SA एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर करेगी। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन भी लेते हैं 1 साल या उससे अधिक की यूजिंग माई कोड दैट इज KC10, आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं, मेरी मेंटरशिप तब भी मिलेगी। तो बस कोड इस्तेमाल करें और फिर मुझे कॉल करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।